दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध भी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप सबको मुबारकबाद, मीर जुल्फिकार इस दुनिया में आ गए और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरी बार मामू बने हैं और सदर आसिफ अली जरदारी नाना बने हैं। हम सब कोई नाना बना है, कोई भाई बना है, कोई चाचा बना है, कोई मामा बना है, हम सब और आप सब। इसकी भी खुशी है कि जिस दिन आईनी तरमीम मंजूर हुई उसी के साथ बीबी बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा के मीर जुल्फिकार पैदा हुआ। अब आ जाते हैं आज की इस तकरीब के बारे में। ये आज मैं तकरीबन 1-1.5 बजे के करीब चीफ मिनिस्टर हाउस से निकला, मेरे साथ मेरे वज़रा। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी, बल्कि साउथ से शुरू होता है वो रास्ता, तो साउथ वेस्ट और किमाड़ी तीन डिस्ट्रिक्ट से गुजरता हुआ शेरशाह से आदम खान रोड उसका इफ्तिताह किया। ये ड्यूल कैरिज वे बनाया गया, उसके साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेन यानी बारिश की निकासी के लिए उस पर काम किया गया है। ये मंसूबा 901 मिलियन का यानी 90 करोड़ रुपए का ये पहला मंसूबा जिसका इफ्तिताह किया गया। इस रोड की जो पहले हालत थी, जो लोग उस इलाके के हैं उनको पता होगी, और आज मैंने उसका इफ्तिताह किया है। मुझे यकीन है कि उस इलाके के लोगों को काफ़ी सहूलत होगी इससे। उसके बाद हम चले गए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तीन इफ्तिताह किए हमने, नहीं दो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। सबसे पहले हमने नूर जहां अब्दुल्ला कॉलेज से लेके कलंदरिया चौक तक, ये तकरीबन 6.25 किलोमीटर का ड्यूल ट्रैक है, और उसके साथ साथ साइड में 2 और 4 किलोमीटर के रोड बनाए हैं जो इसको कनेक्ट कर रहे हैं इस पूरी, और इसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स भी बनी है, और इसकी वजह से जिन इलाकों को फायदा होगा वो इंटर बोर्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।